फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं इंडिया टीवी एस्ट्रो के स्पेशल प्रेजेंटेशन कमल नंदलाल का अंक भविष्यफल। अंक भविष्यफल में बात करेंगे मूलांक एक से लेकर मूलांक नौ तक के राशिफल की, साथ साथ आपको बताएंगे आपके नाम के आधार पर आपका राशिफल, बताएंगे नाम और मूलांक के आधार पर कुछ सिंपल से उपाय जो आपके लाइफ को सिंप्लीफाई बना देंगे, जानकारी देंगे आपको शुभ अशुभ की, बताएंगे क्या है आपके लिए शुभ और क्या है आपके लिए अशुभ, इसके साथ साथ बताएंगे सभी नाम और मूलांक वाले क्या करें और क्या ना करें, और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा नामांक स्पेशल उपाय और नामांक स्पेशल मंत्र जो आपके जीवन की किसी खास इच्छा को पूरी कर देगा, किसी खास समस्या को चुटकियों में दूर कर देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के अंक भविष्यफल की शुभाशुभ के साथ। तो दिन है रविवार का, तारीख है 18 अगस्त 2024, तिथि रहेगी चतुर्दशी, तिथि अंक रहेगा 5, नक्षत्र रहेगा उत्तराषाढ़ा, नक्षत्र अंक रहेगा 3, दिन का मूलांक रहेगा 9, भाग्यांक रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा सिलेटी, अशुभ रंग रहेगा काला, शुभ दिशा रहेगी ईशान और अशुभ दिशा रहेगी अस्ति यानी कि पश्चिम वेस्ट। दिन का सबसे शुभ समय रहेगा दोपहर 11:58 से लेकर के शाम 3:28 तक, और दिन का सबसे अशुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5:19 से लेकर शाम को 6:57 तक। विशेष क्या है, शिव चतुर्दशी है, चतुर्दशी जो है वो रुद्र को समर्पित तिथि है, सावन का महीना रविवार का दिन रुद्र को समर्पित तिथि, ऐसे में शिव चतुर्दशी मनाई जाएगी और ऐसे में हमारा नामांक स्पेशल उपाय और मंत्र भी रुद्र यानी कि देवाधिदेव महादेव से जुड़ा हुआ, उसकी पूरी जानकारी देंगे। शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के अंक भविष्यफल के राशिफल की मूलांक एक के साथ में। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 1/10/1928 तारीख को हुआ है या जिनका नाम AJS से शुरू होता है, कारोबार बढ़ाने के लिए कर्ज ले सकते हैं, सरकारी कामकाज में बाधा आएगी, कार्यक्षेत्र में पिछले काम से लाभ होगा, सेहत हालांकि ठीक रहेगी, उपाय ये करेंगे किसी बुजुर्ग को गेहूँ दान करें। मूलांक दो की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 2/11/20 या 29 तारीख को हुआ है या जिनका नाम BK या T से शुरू होता है, भाषा पर काबू रखें, ऑफिस में अधिकारी सहयोग देंगे, किसी करीबी की बातों से आहत होंगे, कारोबार यात्रा के से लाभ होगा, उपाय ये करेंगे शिवलिंग पर शहद चढ़ाएं। मूलांक तीन की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 3/12/21 या 30 तारीख को हुआ है जिनका नाम CLU से शुरू होता है, कारोबार में लाभ होगा, सतर्कता से निवेश करें, छात्रों को प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, सांस संबंधी समस्या से परेशान रहेंगे, उपाय ये करें कि किसी धर्म स्थल में सेब चढ़ाएं। मूलांक चार की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 4/13/22 या 31 तारीख को हुआ है या जिनका नाम DM अभी से शुरू होता है, रुके हुए काम निपटेंगे, बड़ी कारोबारी डील होगी, अचानक खुशखबरी मिलेगी, घरेलू मामलों को नजरअंदाज करने से बचें, उपाय ये करेंगे मुट्ठी भर गेहूं जल प्रवाह करें। मूलांक पांच की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 5/14/23 तारीख को हुआ है जिनका नाम ENW से शुरू होता है, इस मूलांक के मार्केटिंग मैनेजर्स जो हैं वो सफल रहेंगे, पुरानी समस्या का हल निकलेगा, कार्यक्षेत्र में तरक्की के योग है, वाहन के प्रयोग में सावधानी बरतें, उपाय ये करें कि देवी दुर्गा पर अंजीर चढ़ाएं। मूलांक छः की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 6/15/24 तारीख को हुआ है या जिनका नाम FOX से शुरू होता है, दाम्पत्य मधुर रहेगा, कारोबार के लिए समय शुभ है, कार्यक्षेत्र में महिला सहकर्मियों से मदद मिलेगी, जोखिम भरे काम करने से बचें, उपाय ये करें कि गाय को रोटी पर गुड़ रखकर खिलाएं। मूलांक सात की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 7/16/25 तारीख को हुआ है या जिनका नाम GP से शुरू होता है, कारोबारी यात्रा के योग हैं, बड़ा निवेश करने से बचें, कागजी कामकाज में सावधान रहें, सेहत के प्रति ध्यान रखें, संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, उपाय ये करें कि गणपति पर रूली चढ़ाएं। मूलांक आठ की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 8/17/26 तारीख को हुआ है या जिनका नाम HQ या Z से शुरू होता है, खर्चों में वृद्धि होगी, पारिवारिक कलह से परेशान रहेंगे, किसी भी कामकाज में जल्दबाजी से बचें, संतान से कोई खुशखबरी मिलेगी, उपाय ये करें कि काली गाय को गुड़ खिलाएं। बात करेंगे मूलांक 9 की। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 9/18/27 तारीख को हुआ है या जिनका नाम IR से शुरू होता है, सतर्कता से कारोबारी निर्णय लें, गुस्से पर नियंत्रण रखें, रुके हुए काम पूरे होंगे, विवादित मामलों में सफलता मिलेगी, यात्रा के योग हैं, उपाय ये करें कि बरगद के पेड़ पर कुमकुम चढ़ाएं। तो दोस्तों समय है ये जानने का कि सभी नाम और मूलांक वाले क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले बात करेंगे सफलता पाने के लिए क्या करें। देखिए रविवार का दिन है, शिव चतुर्दशी है, ऐसे में सूर्यदेव को अर्घ्य दें, शिवलिंग पर लाल फूल, लाल चंदन, गुड़, सेब आदि चढ़ाएं, तांबा गेहूं मसाले दवाई खरीदना शुभ रहेगा, लाल कपड़े पहनना शुभ रहेगा, कटहल का पेड़ लगाना शुभ रहेगा, ईशान दिशा की यात्रा शुभ रहेगी। जान लेते हैं असफलता से बचने के लिए क्या ना करें। तो देखिए अत्यधिक गुस्सा ना करें, मिर्च मसालेदार वाला खाना ना खाएं, काले कपड़े ना पहने, परिवार की अनदेखी ना करें, बैंगन और मधु का दान ना करें, पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें। दोस्तों बारी है नामांक स्पेशल उपाय की, वो स्पेशल उपाय जो तरक्की दिलवाएगा। क्या करें आप, खास दिन है शिव चतुर्दशी का, तो ऐसे में तरक्की के लिए शिवलिंग का पूजन करें और शुद्ध घी में शहद मिलाकर शिवलिंग के निमित्त दीपक जलाएं। बारी है नामांक स्पेशल मंत्र की, तो आर्थिक सफलता के लिए रुद्राक्ष की माला से
ह्रीम श्रीम नंदीश्वराय नमः इस मंत्र का जप करें। आश्वस्त करता हूँ आर्थिक सफलता निश्चित मिली। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमस्कार।